बोलो सभी युवाओं की तरफ से हमें स्टेडियम चाहिए खेलने का। हाँ ये सबसे पहले करिए। हाँ तुम्हारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खेल का मैदान बनाया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है ये स्टेडियम बनना चाहिए। आज ये प्रेतराज स्टेडियम है क्या वॉलीबॉल के लिए था, जिसकी मजबूरी में हम क्रिकेट खेल रहे हैं आज। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों को संदीप सीमार बडाले की राम राम और नमस्ते। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हम आए हुए हैं हमारे गांव के शमशान घाट के अंदर। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना है, आज हम आए अपने गांव के शमशान घाट के अंदर। कि ये हमारे गांव की इतनी बड़ी दुर्गति है कि हमारे बच्चों के पास खेल स्टेडियम नहीं है। इस बारे में हम हमारे जो जिला पार्षद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इस बारे इनसे थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं कि आपको क्या क्या कमियाँ दिखती हैं कि बच्चे हमारे शमशान घाट के अंदर। हमारे गाँव में खेल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल ग्राउंड हो, जो भी है उसके लिए गांव का सहयोग और अपने 26 नंबर वार्ड का जो सहयोग रहेगा, यदि अपनी जीत निश्चित हुई तो सबसे पहले हम स्टेडियम के बारे में सरकार से मांग करेंगे। जैसे कि आपने कहा मांग करेंगे, आप जैसे जिला परिषद उठे हुए हो, इस बार उम्मीदवार हो, तो आज तक स्टेडियम ना आने का क्या कारण रहा है? ये काम वैसे तो सरकार का होता है, पंचायत का होता है, पंचायत ने हमारी डिमांड नहीं रखी या रखी, जो भी काम रहे हैं विधायक का, मंत्री का, जो भी होता है उसमें शायद हमारे गांव पीछे रहा है। तकरीबन गांव में स्टेडियम बनाया है, धर्मशाला बनी है और वाहियात में खर्चे लगाए हैं मंत्रियों ने अपने वोट के लिए, लेकिन अब आगे आने वाले में हम आवाज़ उठाएंगे गाँव की तरफ से, उसमें पहला नंबर स्टेडियम का लेंगे, उसके बाद शिक्षा का होगा, जैसे कि लाइब्रेरी का होगा, ठीक है, सामूहिक काम में अपने बच्चों के लिए करवाएंगे। जैसे कि यहाँ आने से पहले मैं गांव के अंदर घूम रहा था और मुझे एक बात का पता चला है कि यहाँ पे आप लोगों खेल का आयोजन करवा रहे हो, क्रिकेट का। आज ही एक कबड्डी का भी प्रोग्राम है निंदाणा गांव के अंदर, वहाँ पे हमारे बच्चों को योगदान की जरूरत है, तो वहाँ पे आप कितना योगदान करना चाहते हैं? जो बच्चों का हमारे से सहयोग होगा, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। तो हम बाकी कैंडिडेट से भी बात करना चाहते हैं, जैसे कि अनुबंबू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि आज, तो इनसे भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे और जानेंगे इनके क्या विचार हैं और क्या प्रक्रिया है खेल की तरफ। तो थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताओ जी एक बार। मैं जी अनुबंबू, सरपंच उम्मीदवार बडाला, और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, देख ले अपने कैमरामैन को घुमा के देखो कि बच्चे कितने मजबूर हैं शमशान घाट में खेलने के लिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी सबसे पहले स्टेडियम की मांग रखी थी, हमारा आज भी आया दिल दुखी पाया कि बच्चे कितने शमशान घाट में खेलने को मजबूर हैं, इनके लिए सबसे पहले यदि गांव अपना सहयोग करेगा तो सबसे पहले हम स्टेडियम की मांग करेंगे। जैसे कि सभी कह रहे हो स्टेडियम की मांग करेंगे, जो हमारे गाँव के अंदर खड्डे हैं आज तक वही नहीं भरे गए। अगर खड्डे नहीं भरे जाते हैं तो सरकार का ये कहना है कि जब तक आप लोग हमें खड्डे भर के नहीं दोगे, हम स्टेडियम की रिजोल्यूशन ही पास नहीं होगा। उस बारे में क्या प्रक्रिया आपकी? उस इसमें सब गांव का सहयोग रहेगा, और हमें कोई व्यापारी आदमी है, कोई मंत्री है, एमएलए है, उसके पास से भर्ती के लिए उनके पास जाएंगे, और सबसे पहले गड्ढे की यदि स्टेडियम वहाँ पास होता है तो वहाँ पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है जी, हमारे साथ दूसरे कैंडिडेट भी जुड़े हुए हैं जैसे कि सुधीर पांचाल जी, तो इनसे भी हम बात करना चाहते हैं। सुधीर पांचाल जी, जैसे कि हमारे गांव के अंदर 52 लाख रुपए आए थे और वो किसी कारणवश चले भी गए, उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो अभिमन्यु मूवी देखने वाले सभी दर्शकों को और मेरे गाँव के युवा साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे संदीप भाई आपने बात की ने 52 लाख रुपये की ने, ये मैं उस दिन भी कर रहा था, मेरी बाइट थी, मैं ये उचित है नहीं है, बिना प्रूफ की बातें हैं ये, ने 52 लाख रुपए आए वो गए ने, अगर आए भी हैं तो मैं उस समय भी कहा था, उस समय के सरपंच की और वो जो बीजेपी कार्यकर्ता ही थे उनकी कमी रही है ने। और रही स्टेडियम की, भाई हम तो एक शिक्षा के एक विकास के लिए इसे चुनावी मैदान में आए हैं ने, और मैंने पहले ही कह दिया भाई 5 साल 10 गारंटी ने, 5 साल 10 गारंटी लेके मैं गांव के अंदर अपने विचार भाई रख रहा हूं, भाई लोगों को समझा रहे हैं, भाई वो तो गांव ने फैसला करना है ना, उस बात पे ने फैसला गांव ने करना है भाई अपनी, और रही उसकी उस गारंटी के अंदर ये स्टेडियम की मांग है भाई अपनी ने। और रही दूसरी बात, ये तो गांव का फैसला होगा भाई, गांव ने चुनना है, अगर हमारे को चुनेगा तो हमारी गारंटी में शामिल है न, अगर गांव किसी और भाई को भी चुनेगा ना, उसके लिए भाई सरकार के आदमी है ना, उस भाई के साथ मैंने सरपंच के साथ में मिलकर भाई हमारी प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले उसी काम को कराने का कार्य मैं करूंगा, ये मैं मेरे गांव को विश्वास दिलाता हूं। जैसे कि हमारे गांव के बच्चे आज शमशान घाट में खेलने के लिए मजबूर हैं, इसमें आप किसकी कमी देखते हो, गांव की, सरकार की या किसी और की? देखो भाई, जब चुनावी दौर आता है ना संदीप, गाँव परिवारवाद में जातिवाद में बढ़ जाता है ना, इसमें कोई दौरा नहीं है, पढ़े लगे नौजवान साथी है ना, अगर इस समय पर
अगर फैसला सही हक में कर लेते हैं ना तो ये कोई असंभव चीज़ नहीं भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही छोटी नॉर्मल ही चीज़ है ना, स्टेडियम कोई बड़ी ही बात नहीं है ना हमारे लिए ने। फैसला गांव ने करना है भाई, अगर हमारे अंदर नू दिखता हो भाई काबिलियत है रियो छोरा करवा सके है तो भाई हमारे को मौका दे दो गांव ने, और भाई में लगता हो नू दिखता हो ले भाई यो भाई करवा देगा तो गांव राम उसने मौका दियो भाई, हम तो भाई मनांगे जब तो हमने करना ही करना, हमारी गारंटी है ये ने, और किसी और भाई को भी वो फैसला देगा उसमें भी हम गांव का सहयोग करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। जैसे कि आज क्रिकेट का मैच चल रहा है हमारे गांव की शमशान घाट के अंदर, तो यहां पे सारे के सारे सरपंच उम्मीदवार मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात को मैं जोड़ता हूं इसी के साथ कि आज निंदाणा गाँव के अंदर हमारे गाँव के कबड्डी के प्लेयर हैं जो वो जाना चाहते हैं और उनके पास योगदान की राशि नहीं है, तो उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई संदीप शुरू से ही हमारी शुरू से पॉलिसी रही है, शुरू से सोच रही है ना खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ावा देना ने, आज कोई नहीं ऑन रिकॉर्ड चीज़ है ये तो ने, जब से खेल शुरू हुए ना इस गांव के अंदर उस देखो गांव के अंदर तो काफ़ी पहले से हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी हमारे समय में जब हम खेला करते गांव में प्रैक्टिस वगैरह कराया करते उस टाइम में हमारी भावना थी कि हम खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, उससे में सही हम सहयोगी रहे हैं ना, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ज़्यादा मेरा वर्तांत करने की जरूरत नहीं। मेरी बात नहीं समझे जी, आप मेरी बात नहीं समझे, मुझे ऐसा लगता है मेरा ये कहना था कि जो हमारे कबड्डी प्लेयर हैं आज गांव निंदाणा के अंदर उनका खेल है और उनको निंदाणा गांव के अंदर जाके खेलने के लिए उनके पास धन राशि की कमी है जिसमें अपना गांव योगदान ना कर रहा है, या कोई भी बात लगा लो, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी कुछ बातें शेयर करूं ऑन मीडिया कि मैंने किस किस बंदे के पास फ़ोन किया था नहीं किया, तो वहां से क्या क्या जवाब आए, मैं ये बात नहीं चाहता कि मैं ऑन मीडिया कहूं, ये मैं आपसे प्रक्रिया जानना चाहता हूँ कि गांव की इस बारे में क्या सोच है और गांव कहाँ तक योगदान देने के लिए तैयार है नहीं है। भाई संदीप पे मेरे पास एक खिलाड़ी का फोन आया था ना, इससे पहले भी 15-20 दिन पहले भी फोन आते रहते हैं, जब भी ये गेम में जाऊँ उस टाइम भी फोन आते रहते हैं, जब भी उन्होंने हमारे से उम्मीद करी है ना हमने उस उम्मीद पर खड़े उतरे हैं भाई, रही तो ये बात ना, और खेल वाली ये तो भाई गेम चलता रहता है भाई, हम तो नुगा हाँ पर महात्मा ने इस गांव राम ने मौका दे दिया ना इन, जैसे आज वो मदद मांग रहे हैं ना उनको मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये पंचायत की तरफ से हम रेजुलेशन पहली मीटिंग में पास कर देंगे ना कि भाई पंचायत की तरफ से ये खेलों का आयोजन ये प्लेयर जाया करेंगे, उनका खर्चा पानी सारा भाड़ा थोड़ा हम पंचायत वहन कराया करेंगे ना, ये मैं उन खिलाड़ियों से वादा करता हूँ। जैसे कि हमारे साथ एक सरपंच उम्मीदवार और जुड़े हुए हैं जोग जी, इनका असली नाम है जोगिंदर, तो आज हम इनसे ही बातें करना चाहते हैं, जैसे कि आए हैं हमारे शमशान घाट के अंदर जो बच्चों ने खेल आयोजन करा है खुद की तरफ से करा है ये, तो इसके बारे में पहले तो थोड़ा इनसे जान लें कि क्या ये खेल है और कहाँ ये सरपंच जो हमारे उम्मीदवार हैं ये यहाँ पे आए हैं, तो इनका क्या मोटिव है यहाँ आने के पीछे क्या कारण है? सबसे पहले अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सभी दर्शकों को, युवा साथियों को, सभी ग्रामवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पीछे युवा साथियों का बुलाने का एक ही मकसद था कि हम मजबूर होके शमशान घाट में खेलने को मजबूर हैं, इनके पास कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर कोई स्टेडियम हो या कोई ग्राउंड हो जाके खेल सके। जैसे कि आप लोग सारे सरपंच उम्मीदवारों की बातें सुनते हो कि हमारे गांव के अंदर कोई भी स्टेडियम ना है और ना ही बच्चों के खेलने की कोई जगह है, ये मजबूरन हमारे गांव के जो बालक हैं ये मजबूरन शमशान घाट के अंदर खेलने के लिए मजबूर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो आपसे भी हम एक बात जानना चाहते हैं, जैसे कि हम सभी कैंडिडेट से एक बात पूछ रहे हैं कि आज जो कबड्डी योगदान है उसके अंदर आपका क्या योगदान है और कहां तक आप उसको उचित मानते हो कि बच्चों को आप लोगों से योगदान मांगना पड़ रहा है? देखो बच्चों की मजबूरी है, बच्चों के पास पैसे की कमी है और आज जो कबड्डी खेलने के लिए टीम जाने लग रही है उनको मैं 2500 रुपये का योगदान दे के ये जो छोटी सी राशि मेरे से होगी वो मैं उनको सेव करके आया। जैसे कि आप लोगों ने जोगिंदर जी की बातें सुनी, 2500 रुपये की एक छोटी सी राशि, हम इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी राशि है, लेकिन जो भी इनसे उनके लिए सहारा लग रहा है ये कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी हम गांव के थोड़े बालकों से भी बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे साथ अभी विनोद जी भी जुड़े हैं, तो विनोद जी से हम जानना चाहते हैं, विनोद जी क्या कमी आ रही है कि बच्चों को शमशान घाट में खेलने के लिए मजबूर हो गए? कमी रही ना रही वो बात तो करने का फायदा कौन है, अब ये भावी सरपंच जो खड़े हैं और भाई जिला परिषद भावी था जो और जो नहीं आए उनको बोल रहे हम, तो भाई अपना जो युवा आगे जाओगा तो अपना भविष्य सही है जी। वरना अगर चढ़िया में खेल दे रहे तो फिर भविष्य पीछे रह जाएगा। अच्छा स्टेडियम मिले, बच्चे फौज की तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कबड्डी में आगे जाऊँगे, क्रिकेट में आगे जाऊँगे, कई गाँव में देखा सिना गड्डी में स्टेडियम ऑन रोड, बच्चे बहुत तैयारी करें, अपना गाँव वाले तो बैठ की बात कर ली या कर ली बस इसे पीछे रह रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ जो भी भाई बने ना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के
यो काम जरूर करिए स्टेडियम वाला। सबसे पहले विनोद जी एक बात और निकल के आई थी, जो हमारे गाँव के अंदर स्टेडियम बनना जा रहा था वहाँ पे जोड़ नहीं है, वो गड्ढे हैं, और सरकार ने एक मांग करी थी अगर गांव उन गड्ढों को भर के देता है तो वहां पे स्टेडियम बन सकता है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें गांव के मंदिर के अंदर 18 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था और मंदिर का एक किला जो हम कह लिया वो मिट्टी का पूरा भरा था, क्या हमारा गांव इतना सक्षम नहीं है कि उन गड्ढों को भरा सके? है सक्षम है। फिर वहां पे आप किसकी कमी मानते हो? वही बात भाई वाली सुधीर वाली परिवारवाद जातिवाद ये करके ना उस साइड को बनाना, इस साइड को बनाना, थोड़ी जगह की छटनी को ना इस साइड नहीं बनाना चाहिए, हमारी साइड बना दो, ये चीज़ें उस समय दिक्कत आई थी हमने तो देखा उस टाइम। तो बाकी इन चीज़ों ने पीछे छोड़ के भाई सारे बच्चे सबके खेलने अपने यूँ तो तारा ने आ रहा बनागा मारने आ बनागा, तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी भाई आगे बने सबसे पहले स्टेडियम बनवा दियो। और एक बात और है, जो कबड्डी के प्लेयर जाओगे आज वो गाड़ियाँ कराए मेरी तरफ से उनके लिए। जैसे कि आप लोग सुन रहे हो, जो बच्चे आज जाएंगे कबड्डी के प्लेयर उनका जो गाड़ी का किराया वो विनोद जी ने उठाया है। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हैं शिव कुमार, तो हम इनसे ही बात जानना चाहते हैं, जैसे कि ये अभी यहाँ पे मैच खेल रहे थे तो आपको क्या क्या कमी आई? सर सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर खेल का मैदान नहीं है, पंचायती ज़मीन बहुत कम है, इसलिए पंचायती ज़मीन जैसा कि और भी भाई प्रधान सरपंचों ने कहा है कि भाई हमारे गाँव में सिर्फ दो या तीन जगह है जो पंचायत की ज़मीन है, जैसे हमारा मेन अड्डा है कुई वाला, वहाँ पर एक जोड़ है, अगर हम उसको पट कर दें आट दें तो हमारे पास पूरे गांव के लिए बहुत बढ़िया स्टेडियम बन सकता है। आज हम इस छोटे से स्टेडियम में क्रिकेट का खेल करवा रहे हैं जो कि ये भाईचारा बढ़ाने के लिए करवा रहे हैं, न कि कोई पार्टी या दवेश से करवा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, भले ही कोई भी प्रधान बने हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। जी जैसे कि शिव जी आपने कहा, मेरी एक छोटी सी बात है मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहता, आप कहाँ कमी देखते हो, किसकी कमी देखते हो जो आज हमारे बच्चे खेलने जा रहे हैं और उनके पास योगदान तक इकट्ठा नहीं हो पा रहा? देखो पहली बात तो हम जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीब परिवार से सब बच्चे जितने भी यहाँ हैं, कोई भी अमीर नहीं है, जो भी अमीर है वो तो बाहर पढ़ाई कर लेगा, हम यही गाँव के मेंढक गाँव में ईंट रखेंगे, सीधी सी बात है। तो हम चाहते हैं सभी पंचायतों से, सभी आने वाले सरपंचों से, ये सिर्फ T20 क्रिकेट नहीं है कि 5 साल आप बन गए राज करा और बस जय हो ना, ये एक टेस्ट मैच की तरह है जो हमें लंबी पारी खेलनी है, केवल 5 साल के लिए नहीं उम्र भर के लिए ही, आप सबके लिए, चाहे कोई भी प्रधान बनो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, और सब प्रधानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जो भी प्रधान बने हमारे गाँव के बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में और इनके भविष्य के बारे में सोचे, बच्चों में काबिलियत है लेकिन हम अपनी गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, टैलेंट बहुत है हमारे बच्चों में ऐसा मैंने देखा है। तो शिव जी जैसे कि हम आपसे बातें कर रहे थे, मैं एक बार सारे भाईचारा जो अपना आज यहाँ पे इकट्ठा है शमशान घाट के अंदर, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारा मेल सरपंच एक्स सरपंच है जी, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है, तो आप लोग क्या सोचते हो कि वो कैमरे के सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक बार सारे भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो आप लोग थोड़ी सी उनसे भी अपील करो कि वो हमारे कैमरे के सामने आए, कोई भाई कुछ कहेगा उनके लिए कि वो हमारे कैमरे के सामने आए? देखो जी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगर मेरे पिताजी प्रधान बने होते इस गांव के, आज से करीब 10 साल पहले वो इलेक्शन लड़े थे, लेकिन सबसे पहले अपना ही मारता है और उसका दर्द मुझे आज भी है और हमेशा रहेगा। सरपंची आई हुई खोदी गाँव ने मेरे पिताजी का पूरा सपोर्ट करा, जिसका मैं तहे दिल से मतलब शहर से धन्यवाद करता हूँ। उस टाइम हमें समझ नहीं थी, बालक बुद्धि थी, अब थोड़ी बहुत समझ आई है, अगर मेरे पिताजी प्रधान होते तो हमने पहले से ही बहुत सी चीज़ें सोच रखी थी, जैसे स्टेडियम बनवाना, आपका बस स्टैंड बनवाना, ये जो हमारी खत्तियाँ हैं वो करना, अवैध कब्जे हैं जो सहमति से पूरे गाँव की सहमति से हटवाना, ये सब हमने सोच रखी थी, लेकिन भाई गांव नाम राम है पता नहीं क्या हो जाता है, इलेक्शन के टाइम जातिवाद चल जाता है, जो हमारे लिए तो हानिकारक है ही है, पूरे गांव के लिए ही हानिकारक है ये चीज़ें। अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सारे दर्शकों को एक बार फिर संदीप सिमार बडाला की राम राम और नमस्ते।